पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। असल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हावड़ा में जहरीली शराब पीने से हुई 10 लोगों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जबकि बंगाल सरकार से बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी के कई कार्यकर्ता हावड़ा में एसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की थी। जैसे ही पुलिस वालों ने आगे बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोका, वहां बवाल शुरू हो गया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, तो कुछ ने लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। जिसका असर दिखते ही वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती गई। कई लोगों ने एक साथ बैरिकेड को खींचा और एक झटके में उसे रास्ते से हटा दिया। फिर तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया मानो कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और सीधे पुलिस वालों से धक्का मुक्की पर उतर आए। बीजेपी के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उसकी इजाजत न मिलने से वो भड़क गए, जिसके बाद वहां काफी देर तक बवाल मचा रहा।